राजधानी शिमला के बचत भवन में केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। इस दौरान सांसद ने जिला में सभी योजनाओं के तहत विकास कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने शिमला के बचत भवन में दिशा कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जिला शिमला में कार्यान्वित की जा रही 27 विकास योजनाओं के कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत जिला में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। वीरेंद्र कश्यप ने जिला में सभी योजनाओं के तहत विकास कार्य को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि आम आदमी को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने आम लोगों, अधिकारियों और कर्मचारियों से दिशा कार्यक्रम के तहत लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं में और सुधार लाने के लिए सुझाव देने का भी आग्रह किया। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि पंचायत सचिवों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों में और दक्षता लाई जानी चाहिए और उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं आरंभ की गई है जिनका आज देश की जनता को लाभ मिल रहा है। मेरा इतना कहना है कि अभी तक जो हमने दिशा के अंतर्गत 27 योजनाएं अलग अलग जो केंद्र की योजना है उन सभी का जो है वो अभी जायजा लिया है। काम लगभग सेटिस्फैक्टरीली है और कुछ योजनाएं जो हैं वो डिलेड इन द सेंस कि किसी ना किसी कारण से वो थोड़ा पूरी तरह से हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, उसके हमने निर्देश जो हैं वो दे दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को ADC के माध्यम से। तो मैं अगली बैठक में हम उसका फिर जायजा लेंगे। ओवरऑल ये है कि केंद्र से जितना भी पैसा आ रहा है वो सही तरीके से हमारे जो प्रदेश की सरकारें हैं उसको लगाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम ले सकें, वो तभी होगा जब हमारी योजनाएं पूरी होंगी। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज चाहे वो हमारा स्वच्छ भारत का अभियान है, चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे वो हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इन सब पर जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले में ठीक काम हो रहा है, ये मेरे को आपसे कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।